बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। कोरोना अपना पांव पसार रहा है, जिसके मद्देनजर बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ जरूरी निर्देश भी दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मखदुमपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष रितेश कुमार चुन्नू। सर, स्वागत है बिहार लाइव सेवन में। फिर से कोरोना अपना पांव पसार रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, कोरोना जो है फिर से एक बार अपना बड़ा रूप लेते हुए दिख रहा है। बीच में हम लोग देख सकते थे कि हम जहानाबाद का ही बात करें तो नगण्य के बराबर केस हो गया था, लेकिन फिर से केसेस जो है राइज कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग को फिर से सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जो सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस है उसको पूर्णतः अनुपालन करना पड़ेगा। हम लोगों ने भी करने का काम किया, जैसे जो नाइट कर्फ्यू है 10 से 5, और जो दुकानदारों को मास्क लगा कर ही अपना दुकान चलाने की जो अनुमति दी गई है उसको अक्षर से अनुपालन कराने का काम नगर पालिका के द्वारा कराया जा रहा है। एक गाड़ी के द्वारा हमेशा प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। प्रशासन के पुलिस प्रशासन भी लगातार जनता पे दबाव बनाने का काम कर रही है कि किस तरह से सख्ती से ये कोरोना का जो भी निर्देश सरकार के द्वारा है उसको अनुपालन किया जाए। हम लोगों ने फिर से डोर टू डोर सैनिटाइजेशन, सफाई की व्यवस्था, और ख़ास करके आम पब्लिक से एक अपील करना चाहेंगे कि जो कोरोना का जो मूल मंत्र है, इसको भगाने का जो मूल मंत्र है, SMS, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको अगर हम लोग पालन करेंगे तो हम पूरी तरह से दावा के साथ कह सकते हैं कि हम लोगों को ओमिक्रॉन हो या कोरोना का कोई भी स्वरूप हो, हम लोगों को छू भी नहीं सकती है। वैक्सीनेशन पूरी तरह से ज़रूरी है, उसके बाद SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये दोनों चीज़ करना है। हम सभी पब्लिक से अपील करते हैं। मखदुमपुर की जनता के लिए क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, नगर परिषद क्या कर रही है मखदुमपुर की जनता के लिए? देखिए, नगर पालिका जब कोरोना बीच में गॉन भी हो गया था तब भी पूरी तरह से सक्रिय था। खास करके ब्लीचिंग का छिड़काव चारों तरफ कराया जा रहा है और सफाई का काम जो है पूरी तत्परता से तन्मयता के साथ यहाँ के नगर पंचायत के कर्मी लगे हुए हैं उसको कराने में। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो डोर टू डोर सैनिटाइजेशन जो मूल मंत्र हमारा रहा है वो हमने फिर से शुरू करवा दिया है। पहले भी हो रहा था लेकिन इस बार फिर से गंभीरता के साथ हम लोगों ने शुरू करवाया है और सप्ताह में हम लोग का प्रयास रहता है कि एक बार सभी घर को हम लोग टच कर लें। और जागरूकता अभियान विशेष करके कुछ लोगों को जो है पिछली बार राशन देने की भी प्रक्रिया शुरू हुई थी, क्या उन लोगों को राशन मिल रहा है? सभी को राशन मिल रहा है, लेकिन जो आपने लॉकडाउन के दौरान जो हम लोग अपने प्रयास से राशन वितरण करने का जो कार्य किए थे वो अभी रुका हुआ है, क्योंकि सामान्य जनजीवन चल रहा है। अभी लोग अपना दिनचर्या जो है अपनी मेहनत मजदूरी से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान ने करे उस तरह का सीन आए, अगर उस तरह का सीन, उस तरह की परिस्थिति फिर से वापस आती है तो हम नगर पंचायत मखदुमपुर के तमाम जनता को, खास करके गरीब गुरब लोगों को एक चीज़ के आश्वस्त कर सकते हैं कि हम हैं आपके साथ, पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ा हैं, और किसी भी तरह की आप पर अगर समस्या आती है तो हम आगे बढ़कर उसका मुकाबला करेंगे और आप लोग पर एक भी किसी भी तरह का क्षति आप लोग को नहीं होने देंगे। ये जो नगर पंचायत है वो कार्यालय खुल रहा है या फिर बंद हो गया? नहीं, कार्यालय पूरी तरह से खुल रही है। इसका स्ट्रेंथ 50% जो सरकारी गाइडलाइन है उसके तहत कर दिया गया है। आम लोग जो गैर जरूरी अगर आते हैं तो उनके लिए नो एंट्री लगा दिया गया है। क्या अपील करना चाहेंगे मखदुमपुर की जनता से आप उपाध्यक्ष होने के नाते? एकमात्र अपील, जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से पालन करें। अगर कोरोना को अपने आप से दूर रखना है तो, और उसका एक मूल मंत्र फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, SMS, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है। ये चार चीज़ अगर हम लोग अनुपालन करेंगे तो ओमिक्रॉन हम लोग को छू भी नहीं सकता। देखिए, हम आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे चुनू जी, कि जिस तरीके से सरकार का निर्देश आने वाला है या फिर कहिए कि आ ही चुका है कि अब जो है नगर पंचायत का जो है उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की भी चुनाव डायरेक्ट जनता के वोट से होगा, तो ऐसे में आप लोगों के पास क्या है, क्या लेकर जाने वाले हैं आप जनता के बीच में? देखिए, सरकार की तरफ से अभी नगर पालिका में कोई भी इस तरह का गाइडलाइन नहीं आया है। अखबार में अलग बात है कि हमने एक दो बार देखा है, ये आज के भी एक दैनिक जागरण में था, कल दैनिक भास्कर में निकला हुआ था, लेकिन हम समझते हैं कि अभी पूरी तरह से उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। लेकिन अगर सरकार इस तरह का भी निर्णय लेती है तो उसका हम स्वागत करते हैं, और जिस तरह का भी चुनाव अगर वो कराना चाहेंगे तो हम नगर पंचायत के तमाम वार्ड पार्षद के तरफ से हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और पूरी मेहनत से और तन्मयता के साथ हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे।
देखिए आप राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए आपसे एक सवाल यह भी बनता है कि अभी बिहार में जातीय जनगणना की बात जो है जोरों पर चल रहा है, गठबंधन टूटने और बनाने की बात चल रही है, क्या लगता है, आप क्या मानते हैं जातीय जनगणना से लोगों को फायदा है? देखिए अगर हमारे मुख्यमंत्री को महोदय को लग रहा है कि जातीय जनगणना से फायदा है, या तमाम राजनीतिक दल खास करके हम जो समझ रहे हैं कि भाजपा को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को ये सहमत है इसके प्रति कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है भाई, जातीय जनगणना हो, इससे क्या दिक्कत है? हम तो इसके पक्ष में ही दिखते हैं, हम इसके तरफ पूरी तरह से पक्षधर हैं। जातीय जनगणना हो, अगर सरकार के पास हो सकता है जातीय जनगणना होने के बाद कोई किस तरह का कोई प्लान हो कि किस तरह से बिहार की समस्याओं को दूर किया जा सके, तो इसमें क्या बुराई है, जातीय जनगणना होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रितेश कुमार चुन्नी थे, इनका साफ कहना था कि जिस तरीके से पिछली बार कोरोना के मद्देनज़र गाइडलाइन का पालन किया जा रहा था, उसी तरह से फिर से नगर परिषद अपना काम करना शुरू कर दिया है, नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का जो है सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के साथ आप बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव सेवन, लेकिन आप सभी से हम खास अपील करना चाहते हैं कि आप सब सावधान रहें, सतर्क रहें, कोरोना अपना पांव तेजी से पसार रहा है, ऐसे में 1-2 महीने सावधान होने की सख्त जरूरत है।